कि शुरुआत में हमें जॉनस नाम के एक साइंटिस्ट का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें एक साल पहले गैरी एंगर में आई सुनामी को लेकर जॉनस से कुछ सवाल किए जाते हैं, जिस पर जॉनस बताते हैं कि साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा ही एक भूकंप आने वाले समय में कभी भी आ सकता है, जिसके बारे में कोई भी ये नहीं बता सकता कि वो कब आएगा। इसलिए लोगों को अपने डर को भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नेचर पर हम आश्रित हैं, ना कि नेचर हमारे पर। अब उनके इस जवाब के बाद उस शो का होस्ट क्रिश्चियन को बुलाता है, जिसने इस सुनामी के दौरान गैरी एंगर में रहने वाले कई लोगों की जान बचाई थी। और फिर ढेर सारी तालियों के आवाज के साथ क्रिश्चियन स्टेज पर आता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और फिर मूवी में 3 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिश्चियन की बेटी जूलिया वीकेंड के लिए उसके पास गैरी एंगर में रहने आई होती है, क्योंकि क्रिश्चियन का अपनी बीवी इडुन से डिवोर्स हो चुका था। इसलिए इडुन अपने बेटे सोंड्रे और बेटी जूलिया के साथ ओस्लो में शिफ्ट हो गई थी। अब हम देखते हैं कि क्रिश्चियन जूलिया को एक घर में कमरा देता है, जिसमें क्रिश्चियन ने उन सभी 250 लोगों की तस्वीरें लगाई हुई थी जो 3 साल पहले आई सुनामी में मारे गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन सबकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। और अब हम साफ देख सकते हैं कि वो अभी तक उस हादसे से उबर नहीं पाया है। इस पर जूलिया अपने पिता से कहती है कि आपने बहुत से लोगों को उस हादसे में बचाया है, खास करके मुझे, सोंड्री और हमारी माँ को। पर क्रिश्चियन अंदर ही अंदर एक अनजान डर में जी रहा था, इसलिए अगली सुबह वो जूलिया को वहाँ से ओस्लो वापस लौटने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिन्हें वो प्यार करता है वो यदि उसके पास रहे तो वो सेफ नहीं रहेंगे। यही वजह थी कि वो जूलिया को तुरंत ओस्लो भेज देता है, जिसके बाद एक दिन क्रिश्चियन न्यूज में सुनता है कि ओस्लो फोर्ट टनल का एक भाग टूटने की वजह से उसके कलीग जियोलॉजिस्ट कोनार्ड की उसमें दबने के कारण मृत्यु हो गई, जो कि उस जगह पर किसी तरह की रिसर्च कर रहे थे। जिस खबर को सुनकर क्रिश्चियन काफी आश्चर्यचकित होता है, और फिर वो एक पार्सल खोलता है जिसे कोनार्ड ने उसे कुछ दिन पहले ही भेजा था, पर क्रिश्चियन ने उस पार्सल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उस पार्सल को खोलने पर क्रिश्चियन देखता है कि कोनार्ड ने उसे अपनी रिसर्च से संबंधित कुछ आर्टिकल्स वगैरह भेजे थे, जिनसे ये पता चलता है कि 1904 में ओस्लो में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया था, जिसकी रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड 5 थी, जिससे काफी लोग मारे गए थे। और वहीं कोनार्ड के मुताबिक उससे भी विशाल एक और भूकंप ओस्लो शहर पर आने वाला है, जिसका एपिसेंटर ओस्लो फोर्ट टनल के पास ही होगा। अब क्योंकि कोनार्ड के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से ईस्ट टनल और ओस्लो सिटी के कई इलाकों में काफी सेज्मिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है, जिसका साफ मतलब है कि वो अर्थक्वेक ओस्लो सिटी में जल्दी दस्तक देने वाला है, जिसका मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर करीब 8 से 9 तक का हो सकता है। अब क्रिश्चियन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपने परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है, इसलिए वो बिना देरी किए ओस्लो सिटी के लिए निकलता है, जहाँ पहुंचकर वो सीधा नॉस्कॉप पहुंचता है, जिनके लिए कोनार्ड काम किया करता था, जहाँ उसकी मुलाकात जॉनी से होती है, जिससे वो कोनार्ड की रिसर्च और उसके परिणाम के बारे में बताता है, जिस पर जॉनस उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सेज्मिक एक्टिविटी मॉनिटरिंग सिस्टम दिखाता है, जिसकी मदद से वो हर जगह हो रही हो या होने वाली सेज्मिक एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। और आगे जॉनस उसे ये भी बताता है कि दरअसल कोनार्ड जिन सेज्मिक एक्टिविटीज की बात कर रहा था वो सब ओस्लो सिटी के पास हो रहे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए किए जा रहे धमाकों की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, और इनसे ऐसा कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन क्रिश्चियन जॉनस की इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही कोनार्ड के घर जाता है, जहाँ क्रिश्चियन उसकी बेटी मैरिट से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसके पिता का कलीग है और यहाँ वो उसके पिता की रिसर्च से जुड़ी चीजों को देखने के लिए आया है, जिस पर मैरिट उसे बताती है कि उनकी काम से जुड़ी सारी चीजें उनके ऑफिस में है। जहाँ जाकर देखने पर क्रिश्चियन को कुछ पत्थरों के सैंपल्स मिलते हैं जिन पर कोनार्ड रिसर्च कर रहा था। वहाँ फिर उसे एक नक्शा भी मिलता है, जिससे पता चलता है कि जिन सेज्मिक एक्टिविटीज को जॉनस छोटा बता रहा था वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, इसलिए वो जॉनस को कॉल करके इसके बारे में खबर करता है। लेकिन जॉनस कोनार्ड की बातों को टाल कर कहता है कि मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं दूंगा। आगे हम क्रिश्चियन को इडुन के घर पे देखते हैं, जहां वो अपने बेटे सोंड्रे और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता है। फिर उसे इडुन से पता चलता है कि अगले दिन जूलिया का बैलेट डांस परफॉर्मेंस है, जो कि ओस्लो सिटी के ओपेरा हाउस में होगा, और क्रिश्चियन उस शो में समय से आने का वादा भी करता है। पर तभी अचानक से उस जगह की बिजली चली जाती है, और फिर इडुन से हमें जानने को मिलता है कि ये हफ्ते में दूसरी बार बिजली गई है, इसलिए इडुन सर्किट बोर्ड को चेक करने जाती है, जहां पर सब कुछ सही होता है। पर फिर कुछ देर बाद
बार क्रिस्टिन और रीडून में उनके बिगड़े रिश्ते के कारण कुछ बहस हो जाती है और रीडून क्रिस्टिन से गुस्सा होकर चली जाती है। अब अगले दिन हम जूलिया को देखते हैं जो कि ओपेरा हाउस में अपने बैलेट परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रही होती है, जिसे रीडून बताती है कि उसके पिता भी शो को देखने के लिए आएंगे, जो सुनकर जूलिया खुश हो जाती है। इधर क्रिस्टिन फिर से कॉनर के घर आता है जहाँ वो मैरिट से विनती करता है कि वो उसे टनल तक लेकर जाए जिस टनल में कॉनर की मृत्यु हुई थी, जिसके लिए पहले तो मैरिट मना करती है पर क्रिस्टिन के कई विनती पर वो उसे वहां ले जाने के लिए मान जाती है। जिस जगह जाने पर क्रिस्टिन को पत्थरों का सैंपल मिलता है जिसको कलेक्ट करते समय उस टनल का कुछ हिस्सा गिर गया था जिस कारण कॉनर मारा गया था। अब कुछ सैंपल्स को लेकर क्रिस्टिन मैरिट के साथ ओपेरा हाउस के लिए निकलता है पर तब तक जूलिया की परफॉर्मेंस खत्म होने ही वाली थी, इसलिए रीडून क्रिस्टिन को फोन लगाकर पूछती है कि वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया। और तभी बात करते वक्त क्रिस्टिन के हाथों से वो सैंपल दो टुकड़ों में टूट जाता है और ऐसा होते ही अचानक से ओस्लो सिटी की बिजली चली जाती है, जिसे देख रीडून समझ जाती है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। और तभी ओपेरा हाउस को एक छोटा भूकंप का झटका लगता है जिसके अंदर रीडून जूलिया को ढूंढने के लिए जाती है जो कि भागे से अभी तक सही सलामत थी, और फिर वो उसे बाहर निकालने के बाद क्रिस्टिन को इस बारे में बताकर तुरंत घर पहुंचने के लिए कहती है। अब इस झटके से क्रिस्टिन भी समझ गया था कि ये किसी धमाके से नहीं बल्कि एक ब्लास्ट की वजह से हुआ है। और तभी उसे वहां पर जोनस और उनकी टीम दिखाई देती है जो इस झटके के बारे में पता करने के लिए आए हुए थे। तब क्रिस्टिन टॉन्ट मारते हुए जोनस से फिर से पूछता है कि क्या आप अब भी इसे एक साधारण झटका समझेंगे। इस पर फिर जोनस उसे बताता है कि ये पूरी जगह एक ऐसे क्षेत्र में बनी हुई है जहां एक जगह की थोड़ी सी हलचल पूरे शहर को हिला सकती है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि ओपेरा हाउस कमजोर बीम्स पर बना हुआ था इसलिए उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। आगे वो ये भी क्लेम करता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसे ही एक हादसे को देख चुके हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हादसा हर जगह तुम्हारा पीछा करेगा। और उनकी ये बात सुनकर क्रिस्टिन को भी यही लगता है। फिर अगली सुबह रीडून अपने काम पर चली जाती है जबकि जूलिया को अपने पिता के लैपटॉप से एक वीडियो मिलता है जिसे वो क्रिस्टिन को दिखाती है, जिसमें कुछ चूहे रहस्यमय तरीके से मर रहे थे और जाहिर है कि ये एक्सपेरिमेंट कॉनर्ड ने ही किया था, जिसे देखकर क्रिस्टिन समझ जाता है कि ओस्लो सिटी में आज ही के दिन एक बड़ा भूकंप आने वाला है जिसके पीछे एक लिम्निक इरप्शन नाम का फेनोमेना जिम्मेदार है, जिसके तहत इस शहर के रॉक्स में से अचानक से गैस निकलने की वजह से ये भूकंप आज ही आएगा। इसलिए क्रिस्टिन जूलिया और मैरिट के साथ वहां से निकलता है और जाते वक्त वो सोंड्रो को भी कॉल करता है पर क्लास में होने के कारण वो कॉल नहीं उठा पाता, जिसके बाद वो सोंड्रो को मैसेज करके वहां से तुरंत निकलने के लिए कहता है पर उसका टीचर उसे क्लास छोड़कर नहीं जाने देता। इसके बाद ये लोग उस होटल में पहुंचते हैं जहां रीडून काम किया करती थी, जो इस होटल की 42nd मंजिल पर होती है, जिसको लेने के लिए क्रिस्टिन ऊपर जाता है और फिर उसके काफी देर तक ना आने पर जूलिया मैरिट को चकमा देकर उस होटल में चली जाती है, जिसके पीछे मैरिट भी उस होटल के अंदर जाती है। इधर क्रिस्टिन रीडून को लेकर होटल के फायर अलार्म को ट्रिगर कर देता है जिस कारण सभी लोग होटल छोड़कर बाहर आने लगते हैं, जबकि क्रिस्टिन रीडून के साथ लिफ्ट में चला जाता है पर लिफ्ट बंद होने से पहले उसे वहां जूलिया दिखाई देती है, लेकिन फायर अलार्म एक्टिव होने के कारण अब ये लिफ्ट सीधे ग्राउंड फ्लोर पर खुलेगी। उधर जूलिया और उसके पीछे मैरिट उस होटल की बैल्कोनी में पहुंच जाते हैं, जिस दौरान जोरों का भूकंप आ जाता है जिससे मैरिट जूलिया को बचाने के चक्कर में बेहोश हो जाती है। वहीं इधर इस झटके के कारण क्रिस्टिन और रीडन की लिफ्ट अचानक से एक झटके के साथ रुकती है, जिसकी वजह से वो दोनों भी अब बेहोश हो चुके थे। और वहीं इधर कॉलेज में सोंड्रे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सही समय पर टेबल के नीचे होने के कारण बच गया था पर मलबे में दबकर कुछ स्टूडेंट्स मारे गए थे, जिसके बाद बाकी लोग सही सलामत निकल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब मैरिट को होश आता है तो वो जूलिया को एक होटल स्टाफ को बचाते हुए देखती है जिसका पैर बुरी तरह से मलबे में दब गया था, और फिर वो दोनों मिलकर उसे मलबे से बाहर निकालती है। इसी बीच क्रिस्टिन और रीडन को भी होश आ जाता है, जिसके बाद दोनों उस लिफ्ट से निकलकर मेंटेनेंस वाली सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपर से जूलियो को लेकर आने की कोशिश करते हैं। इधर मैरिट देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग इस भूकंप के प्रभाव से होटल की बिल्डिंग के ऊपर गिर रही होती है, जो सीधे होटल के ऊपर क्रैश कर जाती है। इस कारण सबसे ऊपर वाली मंजिल एक तरफ को झुक जाती है और एक स्लोप बनने की वजह से सब कुछ
नीचे गिरने लगता है, जिसके साथ वो होटल स्टाफ भी उसी तरह फिसल कर बाहर की तरफ गिर जाती है। लेकिन मैरिड खुद को और जूलिया को किसी तरह से गिरने से बचाती है, पर वही उस बिल्डिंग के गिरने की वजह से ईडन के पैर में काफी चोट लग जाती है, जिसे किसी तरह से क्रिस्टन संभालता है। और तभी उन्हें 30वीं मंजिल का एक दरवाजा दिखाई देता है, जहां पर इन्हें लिफ्ट की केबल के सहारे झूल कर दूसरी तरफ पहुंचना पड़ेगा, जिसमें क्रिस्टन कामयाब होता है। पर जैसे ही ईडन दूसरी तरफ आने की कोशिश करती है, उसके ऊपर वो पूरी लिफ्ट ही गिर जाती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ईडन को इस तरह मरता देख क्रिस्टन काफी दुखी होता है, लेकिन उसे जूलिया को भी बचाना है, इसलिए वो बिना देरी के ऊपर के फ्लोर पर पहुंचता है, जहां उसे जूलिया और मैरिड भी मिल जाते हैं, जिनको लेकर वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन ढलान होने के कारण जूलिया का हार्ट छूट जाता है और वो सीधे बाहर की तरफ फिसलने लगती है, जिसके पीछे उसे बचाने के लिए क्रिस्टीन भी जाता है और उसे एक तरफ धक्का देकर खुद बिल्डिंग से लटक जाता है। इधर जूलिया जिस खिड़की पर जाकर टिकी थी, उसका शीशा भी धीरे धीरे छटक रहा था, पर उसके पूरा टूटने से पहले ही क्रिस्टीन जूलिया को पकड़ लेता है और मैरिड की मदद से जूलिया बच जाती है, जो उसे ऊपर खींच लेती है और फिर तीनों उस होटल की बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। अब इसके बाद हम मैरिड को उसके पिता के ऑफिस में देखते हैं, जहां उसे उसके बचपन की फोटो मिलती है, जिसमें वो अपने पिता के साथ थी, जबकि दूसरी तरफ सॉन्ड्रे, जूलिया और क्रिस्टीन साथ में गेरिंगर सिटी में अपने पुराने घर में वापस रहने के लिए जाते हुए दिखते हैं। जिसके बाद हमें एंडिंग एपिलॉग के जरिए बताया जाता है कि नॉर्वे के नॉर्थ ऑफ आल्प्स में सबसे ज्यादा सेस्मिक एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए साइंटिस्ट के अनुसार भविष्य में एक बहुत ही बड़ा भूकंप नॉर्वे में आ सकता है, पर वो कब तक आएगा इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। और इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।